हेलो नमस्ते, मैं आशा विजयवर्गीय आशा की कुक बुक स्वाद के संसार में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मेरा किचन रिनोवेट हो रहा था और अब किचन बनकर तैयार भी हो गया। आपने शॉर्ट्स और वीडियो में देख ही लिया होगा कि किचन बनकर तैयार है। किचन में अब मैं कुछ डब्बे चेंज कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि डब्बे चेंज करूँ, तो लगता था किचन नया बनवा ही रही हूँ तो डब्बे तभी लेकर आऊँ। तो मैं बाजार से कुछ डब्बे लेके आई हूँ और जिसे मैं निकाल भी रही हूँ, तो आप लोग देखिए मैं किस तरह के डब्बे लेके आई हूँ। ये बड़े साइज का डब्बा लेके आई जो 2700 ml का है, करीब हम इसमें 2-2.5 किलो सामान रख सकते हैं। तो ये मैं करीब 20 डब्बे लेके आई और अलग अलग साइज के डब्बे लेके आई, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये बड़े साइज का है, इससे थोड़ा छोटा साइज लेके आई जो 1500 ml है, 1 से 1.25 किलो सामान आप आराम से रख सकते हैं। ये और ये मैंने मैच करके लिया है और इसी तरह से मैंने ये एक डिज़ाइन और ली है जो कि चकोर शेप है। इसे जब मैं अरेंज करूँगी तो देख लूँगी कि किसको कहाँ अरेंज कैसे करना, और वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। कुछ छोटे साइज के भी डब्बे लेके आई हूँ मैं थोड़े कम सामान के लिए, छोटे कैबिनेट के लिए डब्बा लेके आई और इससे भी छोटा लेके आई। इस तरह से मैं 5 तरह के डब्बे लेके आई हूँ, अलग अलग साइज के हिसाब से लाई हूँ और इसे टॉल यूनिट में भी सेलेक्ट करूँगी और कैबिनेट में भी, और कम मसाले वाले के लिए बिल्कुल छोटा लेके आई हूँ। और अभी मुझे कांच का जार भी लेके आना जो मुझे मेरे साइज के हिसाब से नहीं मिला है, और कुछ कांच के जार मेरे पास हैं भी, कुछ सामान हम कांच के जार में ही रखना पसंद करते हैं। तो मैं इसे अभी अरेंज करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने लॉन्ग यूनिट बनवाया है, पन्नी नहीं हटाया है क्योंकि जब सामान भरूंगी जब ही पन्नी हटाऊंगी। ये बड़े साइज के डब्बे पीछे 3 आ गए हैं और छोटे वाले जो उससे छोटा ली हूँ मैं, ये भी 3 आगे आ गए हैं। और इसी तरह से जो चकोर साइज का डब्बा लिया है वो मैं आगे रख रही हूँ और बड़े वाले पीछे रख रही हूँ। ये और ये जो छोटे वाले डब्बे मैंने लिए 2 साइज के, वो मैं कैबिनेट के लिए ली हूँ जो ड्रॉअर वाला बनाया है मैंने। जैसा कि मैंने यहाँ भी पुराने वाले कांच के जार ही लगा रखे हैं और इसे मैं चेंज भी करूँगी और इसके ढक्कन भी चेंज करूँगी। दुकान वाले भैया ने बताया है कि ढक्कन मिल जाता है, तो मैं वो लाऊँगी और उस इन सबको चेंज कर दूँगी। इस साइड भी अब ये जैसे मेरा पुराना डब्बा है, कुछ पुराने डब्बे ऐसे हैं जो फेंकने का बिल्कुल मन नहीं करता और अच्छे डब्बे हैं तो हम फेंकते ही क्यों। ये मेरे बिस्किट वगैरह के बहुत काम आता है और अगर मुझे बाजार में ऐसा फिर से मिल जाएगा तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। ये वाले आराम से यहाँ आ जा रहे हैं गोल वाले, तो मैं कुछ स्नैक्स वगैरह भी यहाँ रख सकती हूँ। और ये एडजस्टेबल है तो मैं साइज के अकॉर्डिंग इसे ऊपर नीचे कर सकती हूँ। ये भी एडजस्टेबल है तो इसे भी मैं डब्बों के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकती हूँ। जैसे अगर मुझे बड़ा डब्बा आगे रखना हो तो मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर दूंगी, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अलग अलग साइज के मैं डब्बे लेके आई हूँ, जैसे कि बड़ा साइज है करीब इसमें आप 2 से 2.5 किलो कुछ भी सामान रख सकते हैं, तो ये मेरे दाल चावल और चीनी के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। और आप भी बताएं मैं और क्या इसमें रख सकती हूँ। और आप किस तरह से इस वीडियो को देख रहे हैं आप मुझे जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं, जिससे कि मुझे भी लगे मेरे व्यूअर्स कहाँ कहाँ से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। आपको कुछ और बातें बता दूं, अगर आप भी डब्बा लाने का प्लान कर रहे हैं तो अच्छे ब्रांड का डब्बा लेके आएँ, और कांच का डब्बा थोड़ा सा रिस्की भी रहता है और प्लास्टिक के डब्बे को हम रफ एंड टफ यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी टाइम तक चलता है। जैसा कि मैं पहले भी कॉलपेट का डब्बा ला चुकी हूँ और वो बहुत टाइम तक चलता है, मैं आपको दिखाती हूँ एक पुराना डब्बा। ये पल्पेट ब्रांड का ही था जिसमें मैं दाल वगैरह रखी थी,
तो इस बार भी मैं बड़े डब्बे जो है स्पेशली पल्पेट का ही मंगाई हूँ, और ये छोटे पल्पेट का नहीं मिला था, पर अच्छे ब्रांड का है तो मैं छोटे दूसरे ब्रांड का लाई हूँ। तो आप भी डब्बा लाने का प्लान कर रहे हैं या जब भी कभी डब्बा लाएँ, अच्छे ब्रांड का लेके आएँ जो कि काफ़ी दिनों तक सही रहे और उसमें चीज़ें भी अच्छी रहें। आप भी डब्बा खरीदना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसकी डाल दूंगी, आप उस लिंक में जाके आराम से डब्बे खरीद सकते हैं और भी शॉपिंग कर सकते हैं। अरे मैं आपको एक टिप देना तो भूल ही गई, जैसा कि मैं आपको हमेशा कोई ना कोई टिप और ट्रिक्स देती रहती हूँ, तो इस वीडियो में एक टिप देना चाहती हूँ कि आप नमक हमेशा कांच के जार में रखें, प्लास्टिक के जार में नमक नहीं रखें और कांच के जार में ही रखें। कांच के जार में नमक रखना आपके लिए बहुत ही उपयोगी और फायदेमंद होगा, क्योंकि जैसा कि वास्तुशास्त्र में बताया जाता है कि नमक आप हमेशा कांच के जार में रखें। सब डब्बों की मैं पन्नी हटा दूँ, बड़े डब्बे तो मैंने इस तरह के लिए और छोटे इस तरह के लिए जिससे कि मैं ऊपर से चीज़ें देख सकूँ, मतलब ऊपर से ट्रांसपेरेंट है तो जो भी आप मसाला वगैरह रखेंगे तो उसमें आपको ऊपर से ही दिख जाएगा कि क्या है। और मैं ऐसा इसलिए ली हूँ क्योंकि इसे मैं ड्रॉअर में रखूँगी, तो ड्रॉअर में जैसे कि अभी मुझे निकाल के देखना पड़ता है तो इसमें क्या चीज़ है, और इस तरह के डब्बे में मैं ऊपर से ही देख लूँगी कि इसमें क्या सामान रखा। और ये बड़े डब्बे जो हैं वो मैं इस तरह के कैबिनेट में रखूँगी या फिर टॉलीनेट में रखूँगी, तो इसमें मुझे ऊपर से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बड़े वाले डब्बे तो मैंने ऐसे लिए हैं और छोटे इस तरह के डब्बे लिए। ये कैसा आपको लगा ज़रूर बताना कमेंट करके, आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कि मैं डब्बों को कैसे अरेंज करूँ और क्या क्या सामान किस किस चीज़ में डालूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय।